टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी की मुश्किलें बढ़ गईं। पुलिस ने असित मोदी और तारक मेहता से जुड़े दो अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस शो में मिसेस सोडी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस ने असित मोदी के साथ साथ तारक मेहता के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज और ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी के खिलाफ शिकायत की थी और अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि असित मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ IPC की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से असित मोदी यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप झेल रहे हैं। शो के कई कलाकारों ने असित मोदी पर फीस न देने से लेकर सेट पर माहौल खराब करने तक की शिकायत की है। कुछ दिनों पहले ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाली एक्ट्रेस ने असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में एक्ट्रेस ने पुलिस के पास बयान भी दर्ज कराया था। एक्ट्रेस ने सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ भी शिकायत की थी। वहीं एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वो अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि उन्हें काम खो जाने का डर था। एक्ट्रेस पिछले 2-3 महीने से तारक मेहता की शूटिंग नहीं कर रही थी। आपको बता दें, पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 से लगातार चल रहा है। इस शो के कई किरदार शो छोड़कर जा चुके हैं और अब प्रोड्यूसर पर गंभीर आरोप लगे हैं और उस पर FIR दर्ज हुई है।